थलसेना ने अग्निपथ योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के तहत थलसेना में अग्निवीरों की 6 अलग अलग कैटेगरीज में भर्ती की जाएगी। ये जो 6 कैटेगरीज हैं वो कौन सी है उसे जान लीजिए। पहली कैटेगरी है जनरल ड्यूटी, जिसके लिए कैंडिडेट को 45% नंबरों के साथ 10वीं पास होना चाहिए। दूसरी कैटेगरी है टेक्निकल, जिसमें कैंडिडेट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश जैसे विषयों में 50% के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। तीसरी कैटेगरी है टेक्निकल एविएशन एंड एम्यूनिशन एग्जामिनर, इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। चौथी कैटेगरी है क्लर्क स्टोर कीपर की, जिसमें 60% नंबरों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। पांचवी कैटेगरी ट्रेड्समैन, जिसमें योग्यता सिर्फ 10वीं पास है। और छठी कैटेगरी भी ट्रेड्समैन की ही है, इसमें कैंडिडेट के लिए योग्यता सिर्फ 8वीं पास है। इस योजना के थ्रू जो भी सेना में भर्ती होने के इच्छुक हैं उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद सभी को ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, इसके साथ वो भर्ती रैली में भाग ले पाएंगे। अग्निवीरों की भर्ती 3 अलग अलग फेजेस में चरणों में होगी। पहला चरण होगा फिजिकल टेस्ट का, दूसरा होगा मेडिकल टेस्ट का, तीसरा होगा लिखित परीक्षा का। इसके अलावा एनसीसी कैडेट्स को लिखित परीक्षा में अतिरिक्त नंबर मिलेंगे। लिखित परीक्षा में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के भी एक्स्ट्रा नंबर्स होंगे। पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के बच्चों को भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में थोड़ी छूट जरूर मिलेगी। कि इन अग्निवीरों को सरकार की तरफ से सुविधाएं क्या क्या मिलेगी अब जान लीजिए। इनकी सैलरी और 4 साल के बाद एक मुश्त मिलने वाले रकम के बारे में पहले ही दिन बताया जा रहा था। अग्निवीरों को किसी भी तरह की पेंशन या ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, ना ही उन्हें एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS का फायदा मिलेगा। इसके अलावा CSD यानी कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिलेगी, ना ही उन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा मिलेगा, ना ही उनसे जुड़ी कोई सुविधा उनको मिलेगी पूर्व सैनिक से। अग्निवीरों को 1 साल में सिर्फ 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। 4 साल के बाद अग्निवीरों को एक स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। 10वीं के बाद भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा।